कुछ छोटी छोटी सिंपल टेक्निक्स मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट यानी सर्कल के कॉर्नर पर कुछ लिखना चाहें तो फिर कैसे लिखा जाएगा। मैंने एक सर्कल का ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया और यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट टूल को सर्कल के ऊपर रखता हूँ। तो आप देखें, टेक्स्ट की जो आमतौर पर जो शक्ल होती है उसमें ए बना हुआ होता है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको सर्कल के ऊपर रखा, आप देखें इसमें अलीमत आ जैसा एक सिंबल बनावा गया। अच्छा, तब मैं क्लिक करके फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नाम देख सकता हूँ, जैसे एबीसी कंप्यूटर सेंटर, मैंने यहां पर इसका नाम दे दिया। और फाइनली मैं इसकी एरो पे क्लिक करता हूँ। अब देखें यहां इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है कुछ। अगर मैं इसके शेप को चेंज करना चाहूँ और ओपन करना चाहूँ, आउटलाइन के ऊपर रखना चाह रहा हूँ, तो ये प्रॉपर्टीज में से मैं जाकर चेंजिंग कर सकता हूँ। सर्कल के अंदर टेक्स्ट आना चाहिए, सर्कल के ऊपर टेक्स्ट आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, या किस तरफ टेक्स्ट होना चाहिए ये हम डिफाइन करेंगे। डायरेक्शन क्या होगी टेक्स्ट की, ये हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। चार डायरेक्शन है हमारे पास, वो हम रख सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि सर्कल की आउटलाइन है जो वाइट आ रही है उसको मैं खत्म कर दूँ, तो मैं सर्कल पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकता हूँ। मेरा टेक्स्ट अपनी जगह पर है और यहां से मैं फॉन्ट इसकी राइटिंग चेंज कर रहा हूँ, साइज में इसकी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी सारी प्रॉपर्टी एज इट इज है, जिस तरह से चाहे मैं उसको यूज कर सकता हूँ। और यही काम अगर मुझे स्क्वायर पे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्क्वायर लिख बनाया और टेक्स्ट का टूल लेकर इसी टेक्स्ट के ऊपर रखते हैं, जब अलीमत आ बना हुआ जाए तब क्लिक करके मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, जैसे वेलकम टू कॉरल ड्रो क्लास। एक सिंपल टेक्स्ट टाइप किया और इसको ओके करते हैं, स्क्वायर को खत्म करते हैं क्लिक करके। ये देखें टेक्स्ट मुझे नजर आ रहा है। टेक्स्ट की साइज फॉन्ट वगैरह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोई पाथ बनाते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे मेरे पास ये पेंसिल फ्री एंड टूल अवेलेबल है, मैंने यहां पर एक पाथ बनाया और इस पाथ के ऊपर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूं, तो मैंने टेक्स्ट टूल लिया, इसके ऊपर रखा और फिर मैं जो कुछ भी लिखना चाहता हूं टेक्स्ट टाइप किया, पाथ को मैंने डिलीट कर दिया, वो टेक्स्ट मुझे उस तरह से स्क्रीन पर नजर आ रहा है।